Assalamu alaikum. My name is Vaneeza Abbas and I've done my BS Physics. I'm here to teach you physics. So basically, जो generally question आते हैं सबके mind में physics को सुनते साथ ही कि बहुत ही dull, boring subject है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी नेचर को ही स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फिज़िक्स को स्टडी करें. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह देख लें कि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ठीक है. इसी तरह अदर प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में. तो सबसे पहले ये बात आती है कि वो रिवॉल्व ही क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट में क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो एक दूसरे से आके टकरा जाएं, मतलब जो है सूरज ज़मीन पे गिर जाए. तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं फिज़िक्स के लॉज. तो इसीलिए हम अपने कोर्स में जो है फिज़िक्स को शामिल करते हैं और फिज़िक्स की बुक को स्टार्ट करते हैं. तो हम आज जो है क्लास 9th के लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फिज़िकल क्वान्टिटीज़ एंड मेयरमेंट्स, ठीक है. अब सबसे पहले जो चीज़ आनी चाहिए माइंड में देखते साथ ही एक चैप्टर का नाम कि वो है किस बारे में, ठीक है. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, पहला ही चैप्टर है 9th क्लास का. इसका मतलब होता है ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेयरेबल, जिनको मेयर किया जा सकता है. अब अगर कोई कहे नहीं हम तो हर क्वांटिटी को मेयर कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर आप एक फॉरेस्ट में चले जाएं और देखें कि वहाँ पे इतने ट्रीज होते हैं, उनके इतने लीव्स होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते. अगर कोई फिर भी करना चाहे स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, वहाँ से पत्ते थोड़े दिन बाद झड़ जाएंगे, वो सारी आपकी क्वांटिटी और जो मेयरमेंट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ह्यूमन हेयर देखे जाएं, मतलब इंसानी बाल, तो क्या होता है कि उनकी मेयरमेंट नहीं की जा सकती. अगर फिर भी कोई कर ले तो एक दिन बाद अगले दिन उसको मोर एक्यूरेट करने के लिए जब काउंट किया जाएगा तो समटाइम हेयर फॉल हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एक एक्यूरेट मेयरमेंट नहीं आएगी. तो इसलिए वो क्वांटिटीज़ जो कि मेयर की जा सकती हैं उनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब उनको मेयर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेयरमेंट्स, कुछ यूनिट्स रिक्वायर हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर हैं. इसलिए इस पूरे चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि हमने जो कुछ इसमें डिस्कस करना है वो अबाउट दोज़ क्वांटिटीज़ है जिनको मेयर किया जा सकता है और जिनको मेयर करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द इंट्रो टू फिज़िक्स, मतलब हमने इंट्रोडक्शन देना है फिज़िक्स का कि फिज़िक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या डेफिनेशन है फिज़िक्स की, फिज़िक्स के लॉज वगैरह को डिस्कस किया जाएगा, उसकी एप्लीकेशंस को देखा जाएगा, डेली लाइफ में उसके यूजेज को देखा जाएगा. देन है फिज़िकल क्वांटिटीज़, वही क्वांटिटीज़ जिनको मेयर किया जा सकता है. उनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं कि हम उनको बेस क्वांटिटीज़ लेते हैं या एज अ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लिया जाता है, तो उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिस्कस करेंगे. देन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ जाता है. इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है जो मेयरेबल तो है, बट उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए. क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड या एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ भी जाहिर नहीं होता. और अगर जो है पेपर में या प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हुए खाली अगर आप एक वैल्यू लिख देंगे, लेट सपोज 106 आपका आंसर आ गया किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल का, आपने इसके साथ यूनिट नहीं लगाए, आपका 1 मार्क्स यहीं पे डिडक्ट हो जाएगा. तो इसलिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिस्कस करेंगे. देन है प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्सेस में होता क्या है, हमारे पास प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, बेसिकली ये दोनों इसी के लिए हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हो, लाइक मास ऑफ अर्थ ही बहुत ज़्यादा है, 6×10^27 ग्राम, इट मीन्स के 27 टाइम जीरोज आ रहे हैं. और अगर उसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू में यूज़ करना है तो क्या होगा, हम 6 के आगे 27 टाइम जीरोज लगाने बैठ जाएंगे और वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्यूरेसी नहीं आएगी. लाइक अगर आपने इसको कैलकुलेटर में लिखना है, कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है इतनी सी, ठीक है, उस पर आपने यहाँ से 0000 हद 5-6 जीरोज आ जाएंगे. देन जब आप उनको फर्दर करना शुरू करेंगे आपकी सारी एक्यूरेसी, सारी काउंटिंग्स ख़राब हो जाएंगी.
ठीक है, तो हम लोग उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशंस। देन आ जाता है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने ये तो कह दिया कि क्वांटिटीज जो हैं वो मेजरेबल हैं, बट कैसे वो मेजरेबल हैं? उनकी मेजरमेंट के लिए हमें सम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट का सारा टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रैक्टिकल पोर्शन में आएगा, इसका जो है सब्जेक्टिव या आपके एमसीक्यू से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। देन आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है तो वो हमें रिक्वायर है या नहीं, और अगर एक ज़ीरो आ रहा है तो उसकी कौन सी प्लेस ऐसी होगी जिस पे हमें वो सिग्निफिकेंट आंसर देगा। लाइक अगर हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट है 2070 रुपीज़, ठीक है। अब 2070 में दो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, इट मीन्स कि इनकी रिक्वायरमेंट हमें है, लेकिन अगर इसी के आगे मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए ज़ीरोज़ लगाती जाऊँ तो इट मीन्स मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे हमारे लिए और जो बेटर रिजल्ट हमें देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रो टू फिजिक्स, एंड इट इज योर टॉपिक नंबर 1.1, इंट्रो टू फिजिक्स। इंट्रो टू फिजिक्स मीन्स इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है। तो हम इसमें एक्सप्लेन क्या करने लगे हैं कि जो है फिजिक्स क्या है, ठीक है, एंड इसकी डेली लाइफ में कहाँ यूजेज है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के लिए अर्लियर टाइम्स में अगर चले जाएं तो हमने देखा कि पहले तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था। लाइक अगर हमारे पास आज मैच बॉक्स है, माचिस की डब्बी, उससे हम आग लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अर्लियर टाइम में तो मैच बॉक्स नहीं था, वो क्या करते थे लोग, पत्थर को रगड़ के आग प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब उस आग को जब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हम लकड़ी को लेके अगर रब करते हैं तो हमारे पास आग क्यों नहीं आती, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। इसी तरह कि दिन जो है, दिन क्यों आ रहा है, रात क्यों आ रही है, सनराइज़ कैसे हो रहा है, सनसेट कैसे हो रहा है, मून जो है वो कैसे आ जाता है, अगर कहा जाता है कि ज़मीन गोल है तो हम घिर क्यों नहीं जाते, ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों पे क्या किया, ऑब्जर्व किया इनको, ठीक है, अपनी फाइव सेंसेस यूज़ करके ऑब्जर्वेशंस बनाई गई, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो जो है कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती, ठीक है। हम चीज़ों को ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं बट हमें ये नहीं पता होता कि वो एक्यूरेट आंसर दे रही हैं या नहीं। उनके लिए क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब्स भरी भरी हैं एक्सपेरिमेंट्स से, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को मिला के जो हमारे पास नॉलेज आता है दैट इज़ कॉल्ड द साइंस, ठीक है। और साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो कि साइएंशिया से निकला हुआ है, इसके डिफरेंट प्रोनंसिएशंस हैं एंड इट मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो जो नॉलेज हमें मिला है ऑब्जर्व करने से और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से दैट इज़ कॉल्ड द साइंस, ठीक है। देन 18th सेंचुरी तक इस साइंस को कहा गया कि ये नेचुरल फिलॉसफी है, ठीक है। है तो ये नेचुरल फिलॉसफी, लेकिन हो क्या रहा है कि सब काम नेचुरल वे में ही हो रहे हैं, नेचर से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अगर इंसान ज़िंदा है तो क्यों ज़िंदा है, उसको ब्रीथिंग के लिए उसका कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, वो सब कुछ नेचर से ही रिलेटेड था। लेकिन नेचर को स्टडी करने के लिए हमें जो है आगे ब्रांचेस फर्दर डिवाइड करना पड़ी। अब सारी साइंस पहले तो नेचुरल फिलॉसफी के ही अंडर आ रही थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होता गया, लोगों को पता चलता गया कि नहीं, अगर हमने एक लिविंग थिंग को पढ़ना है तो हमें कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना होगा, अगर हमें एक नॉन लिविंग पढ़नी है तो किसको करना होगा। इसलिए नेचुरल फिलॉसफी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। द नंबर वन इज़ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस में हम सारी जो है नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं। एक हमें हमारे पास आ गई बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में क्या है कि हम सारी लिविंग थिंग्स को पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स स्टडीड इन फिजिकल साइंस। तो इसलिए
इसको कैटेगराइज कर दिया गया। लेकिन नेचुरल फिलॉसफी में अगर फिजिकल साइंस आ रही थी तो नॉन लिविंग में बहुत कुछ आ रहा था। लाइक अगर हम देखें, हवा जो है चल तो रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा है, सांस ले रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। अर्थ को देखा जाए, अर्थ बेशक रिवॉल्व कर रही है, स्पिन मोशन है उसकी, रोटेशनल मोशन है, लेकिन वो खुद जो है सांस नहीं ले रही या खुद कोई काम परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। इसलिए फिजिकल साइंस को फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया 5 ब्रांचेस में, ताकि हम एक अच्छी स्टडी कर सकें हर एक डिफरेंट एस्पेक्ट से, ठीक है। जिस तरह अगर हम फिजिक्स को लेके चल रहे हैं, फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ मैटर्स की और एनर्जी की स्टडी की जाती है, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन, मैटर प्लस एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस, इस सब की जो स्टडी है इंटरैक्शंस, इसको हम करते हैं फिजिक्स में। अब देखें मैटर क्या होता है, मैटर एक वो चीज़ है, वो जो है ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, जिस तरह ये डस्टर है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका मास होगा, इसकी लेंथ होगी, तो ठीक है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जो कि स्पेस लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। और मैटर प्लस एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है, हमें पता चल गया कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए अब हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, मैटर पे कोई काम कर रहे हैं, एक वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस ले रहा है, वॉल्यूम दे रहा है हमें, तो उसके ऊपर कोई भी काम अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको अपलिफ्ट करना होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस सब की स्टडी को और मैटर की स्टडी को और इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं आपस में, उसको हम करते हैं फिजिक्स के अंडर, ठीक है। देन आ जाती है केमिस्ट्री। फिजिकल साइंस को ही केमिस्ट्री में भी डिवाइड कर दिया गया। देखें मैटर एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन अगर कर रहे हैं तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि फिजिकल साइंस में ही एक्चुअली ये सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के भी कैटेगरीज हैं। जिस तरह एक मैटर है, केमिकल रिएक्शन है, देन फर्दर इसको जब डिवाइड किया गया तो इसकी फर्दर ब्रांचेस भी हमें मिली, जो कि थी जियोफिजिक्स। अब जियोफिजिक्स या जियोलॉजी, जियोलॉजी में क्या आया, अर्थ की स्टडी, ठीक है, अर्थ के बारे में कि वो जिस तरह मैंने अभी बताया कि अर्थ जो है बेशक वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रही है, अपने ऑर्बिट के अलोंग रोटेट कर रही है, बट वो है तो एक नॉन लिविंग थिंग ना, तो इसलिए नॉन लिविंग थिंग को हमने फिजिकल साइंस में रखा है और नॉन लिविंग थिंग की ही स्टडी को जियोलॉजी कहा है। जियोलॉजी मीन्स अर्थ की स्टडी। देन आ जाता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, स्टार्स की, गैलेक्सीज की, सारी इन चीज़ों की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो गैलेक्सीज हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है, इस तरह बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो होता क्या है, एस्ट्रोनॉमी में उनको स्टडी किया जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि हम उसको फिजिक्स में करेंगे, क्योंकि हमने फिजिक्स को एक स्पेसिफिकली कह दिया कि वो मैटर, एनर्जी और उनकी इंटरेक्शन को ही स्टडी करने का नाम फिजिक्स है। इसी तरह एक लास्ट वन आ गई, दैट इज मेटरोलॉजी। ठीक है, मेटरोलॉजी में क्या होता है, वेदर और एटमॉस्फेयर की स्टडी सारी मेट्रोलॉजी में की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स में मैंने पहले ही जिस तरह एक्सप्लेन किया है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, तो इस सब के नाम, इस सब की स्टडी को हम कहते क्या हैं, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो है डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर हम इसके यूजेस देखना चाहें और हम अपने ही इंसान अपने ही आप से स्टार्ट करें, तो फिजिक्स उसके इवन जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्व है। लाइक अगर हम कहते हैं कि इंसान जिंदा है और सांस ले रहा है,
तो उस सांस लेने के अमल में है क्या चीज़ बेसिकली? ये है तो एक नेचर ही ना, तो नेचर की स्टडी हो रही है बट अंडर फिजिक्स। अब हमने कह दिया ब्रीथिंग में हमारी ये काम आ रही है, किस तरह से ब्रीथिंग सिस्टम्स, ठीक है। हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताया फिजिक्स ने कि एक बॉयल्स लॉ है जो कि कहता है प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, ठीक है। ये लॉ है एक कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इट मीन्स अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एंड वन ओवर वी। अगर ये चीज़ बढ़ेगी मतलब प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी तरह सेम हमारे लंग्स के साथ होता है कि जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, हमें इनहेल करना पड़ता है, हम बाहर से हवा जो है लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब हम एक्सहेल करते हैं वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर की निस्बत, तो हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ही अगर एप्लीकेशन हम अपने आप से स्टार्ट करें तो दैट इज़ द ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग के प्रोसेस में फिजिक्स के लॉ को ही जो है स्टडी किया जा रहा है। देन आगे आ जाएं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट है अगर हार्ट काम ना करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली डेथ होगी। अब हार्ट में भी क्या हो रहा है, बॉयल्स लॉ यूज़ हो रहा है, उसमें भी सिमिलरली प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप कर रहा है, ठीक है। जब हार्ट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो है वेंस में फ्लो करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर जो है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए, प्रेशर कम हो जाता है, तो आर्टरीज में से वेन जो है ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है हार्ट के पास। अब इसी एग्जांपल में से एक और एग्जांपल निकल आती है कि अगर समटाइम ऐसा होता है ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, ब्लड ब्लॉक हो जाता है, तो उस ब्लॉकेज को कवर अप करने के लिए या इससे बहुत सारी जो है डिजीज़ कॉज होती हैं, लाइक हमारे पास फालिज का अटैक होने का बहुत चांसेस होते हैं। अब उसकी अगर ट्रीटमेंट करनी है तो हमें मशीनरी रिक्वायर्ड है फिजियोथेरेपी के लिए, ठीक है। तो वो सारी फिजियोथेरेपी की जो इक्विपमेंट्स हैं वो फिजिक्स के लॉज पे बेस कर रहे हैं। तो अगर हम बेशक बायो पढ़ भी रहे हैं लेकिन सारा कुछ उसमें जो अप्लाई हो रहा है वो फिजिक्स की बेस पे हो रहा है, और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नेचर के बहुत करीब ले जाती है, पता चलता है इससे इंसान को कि वो जो है नेचुरल फिनोमिनास क्यों हो रहे हैं, उनका पर्पस क्या है, उनके पीछे उसकी बैकग्राउंड क्या है। इसलिए ये तो जस्ट टू एग्जाम्पल्स थी। अगर हम इससे भी सिंपल एग्जाम्पल पर चले जाएँ कि हम अपने घरों में शावर यूज़ करते हैं, ठीक है, कपड़े प्रेस करने के लिए शावर यूज़ होता है, उसके होता क्या है, बेसिकली नोज़ल होती है, छोटा सा होल होता है। अब ये भी बॉयल्स लॉ पे ही वर्क कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ पे वर्क हो रहा है, ये छोटे से होल पे जब हम प्रेशर लगाएंगे, हम पंप करते हैं उसको, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रेशर ने छोटे वॉल्यूम से जब गुजरना है तो ही वो स्प्रिंकल हो सकेगा कपड़ों पे, ठीक है। अगर हम इसी का वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दें, लाइक हमने होल ही इतना बड़ा ले लिया है, प्रेशर कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, और वो जब होल से पास आउट होके गिरेगा तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होगा, और अगर आप नीचे कपड़ा रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो वो ड्रॉप्स ही उडल जाएंगे बस। तो इससे तो हमारे जो है मॉइस्चर नहीं होगा ना, मॉइस्चर कॉज ही नहीं होगा, तो हम उसको प्रेस नहीं अच्छी तरह कर सकेंगे कि जी ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, तो वो वहाँ समटाइम्स निशान भी पड़ जाते हैं। इसीलिए जो है उसके वॉल्यूम को कम रखा गया ताकि जब हम उसको प्रेस करें नोज़ल को तो प्रेशर क्रिएट हो, और प्रेशर की वजह से जब वो निकले ज़्यादा तेज़ी से तो आगे हर तरफ स्प्रेड आउट हो जाए। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने टीवी की, ठीक है, टीवी या हम कंप्यूटर्स कह रहे हैं, कंप्यूटर्स में भी जो है फिज़िक्स बहुत अप्लाई होती है, और इसी तरह हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक चिप होती है, ठीक है, चिप जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके ऊपर रेजिस्टेंसेस भी जो है फैब्रिकेट की गई हैं,
रेजिस्टर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, बहुत चीज़ें उसके ऊपर डिज़ाइन की जाती हैं। एक इस तरह की चिप होती है जो मोस्टली कंप्यूटर्स जब उसको खोलते हैं तो उसमें बनी होती है, ठीक है। उसमें यू पार्ट्स भी बने होते हैं एंड उनके ऊपर यहाँ पे सोल्डरिंग हुई होती है, सिल्वर कलर के डॉट्स डले होते हैं, ठीक है। अगर वो सारी फैब्रिकेशन ना हो, हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, इसी तरह हमारा मोबाइल भी वर्क नहीं कर सकता। तो इन सब चीज़ों में अप्लाई क्या होती है, फिज़िक्स अप्लाई होती है। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए देख लें, हम अपनी कार्स यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो कार में जो है लॉ ऑफ मैकेनिक्स यूज़ होते हैं, मैकेनिक्स के लॉज यूज़ होते हैं एंड मैकेनिक्स इज़ बेसिकली अबाउट द मोशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम रेफ्रिजरेटर्स में देखें, रेफ्रिजरेटर्स, उसमें क्या प्रोसेस हो रहे हैं के लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में भी फिज़िक्स अप्लाई हो रही है। तो इधर से पता चलता है कि फिज़िक्स को स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इवन हम सांस लेने में भी अगर फिज़िक्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये कभी भी एक डल और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट फिज़िक्स, ये हमने फिज़िक्स किया। अब हम इसके ब्रांचेस करेंगे, ओके। अब हम पढ़ने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और ये चैप्टर नंबर 1 में ही है, 1.1 टॉपिक के साथ साइड इन्फॉर्मेशन में दिए गए हैं, ठीक है। पेज नंबर है 3। तो हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ने लगे हैं। अब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में क्या होगा कि हम स्टडी तो वही मैटर और एनर्जी को ही करेंगे, लेकिन उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया फर्दर। लाइक अगर हम सबसे पहली देखें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जितनी भी मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब उसमें हम क्या देखते हैं कि लेट सपोज एक कार, कार को हमने कह दिया कि ये ए पॉइंट पे, ठीक है। अब इसने जाना है बी पॉइंट तक, इसने मोशन करनी है ऑब्वियसली, एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्टडी किस में करते हैं, मैकेनिक्स में। तो अगर ये डिस्टेंस कवर कर ले यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि अगर मोशन हुई है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, अगर उसकी स्पीड कितनी थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, उसकी हर हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह मैकेनिक्स में हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक गाड़ी ने मूव की है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, मतलब उसका उसका कॉज क्या था, उसके पीछे रीज़न क्या थी कि उसने मूव किया, ठीक है। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, या इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट उस पर क्या हो सकते हैं, क्योंकि वेट जो है बॉडी का, उसको जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक। तो इसी तरह उसके ऊपर भी बहुत सारे इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहे हैं, फिर भी वो मोशन कर रही है तो क्यों कर रही है। इन सब की स्टडी को हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स में ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई स्नूकर खेलता है, ठीक है, एक बॉल होती है, उसमें उसने जिगजैग मोशन में जाती है, ठीक है। तो ये मोशन भी हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। इसी तरह अगर एक फुटबॉल खेला जा रहा है, जब फुटबॉल को हिट करते हैं तो उसका क्या पाथ होगा, वो लीनियर जाएगा या वो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जाएगा, प्रोजेक्टाइल जो है उसकी मोशन होगी। तो इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है अंडर मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज़ बेसिकली अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टडी, ठीक है। ये स्टडी की जाती है कि जो है बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, उसके मूवमेंट से क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अगर वो मूव कर रही है वो क्यों मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब कुछ मैकेनिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ द हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, क्योंकि इसमें जो है आपकी हर तरह की हीट को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। हीट में यहाँ पे आएगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा हीट एनर्जी। हीट से ही पता चल रहा है
कि कोई हरारत पैदा हो रही है, ठीक है। अब उस हीट एनर्जी से हम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं वो हम सारा हीट के अंडर डिस्कस करेंगे। लाइक अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इस तरह भी होता है कि हीट एनर्जी को अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लाइक अगर पानी है, पानी को हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी, ठीक है, और उस स्टीम को हम फर्दर जो है अपने बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह जो है, अगर हम सबसे एक फेमिलियर एग्जांपल है टाइटैनिक की, ठीक है, टाइटैनिक में जो है इसका यूज़ हुआ था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। किस तरह से कि उसका जो इंजन है उसको कोल के थ्रू जो है हीट प्रोवाइड की गई थी। हीट जब प्रोवाइड की गई, कोल बर्न हुआ तो उसने पानी को बॉयल किया, वो पानी स्टीम बना, ठीक है, और उस स्टीम से स्टीम इंजन चले जिसकी वजह से उसने मोशन की। क्योंकि उस टाइम पे जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं थी कि हम जो है उसको इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते और टाइटैनिक भागना शुरू कर देती, ऐसा नहीं था। इसलिए हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ किया। एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अब भी बहुत यूज़ होती है क्योंकि इसमें एक हीट की फॉर्म को दूसरी हीट की एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उससे जो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसको हम बहुत सारी आगे फील्ड में यूज़ करते हैं, उसको हम बहुत अप्लायंसेस जो हैं उनको रन करने में यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास थी ट्रेन, स्टीम इंजन था उसका भी, उसमें से स्टीम निकलती थी, ठीक है, तो वो भी सारे जो है उसमें भी इसी तरह होता था कि जो है वाटर बॉयल करता था, उसको हीट प्रोवाइड की जाती थी, देन वो स्टीम में कन्वर्ट होती थी और उस स्टीम से जो है हम बहुत सारे अपने काम करते थे। द नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट साउंड, ठीक है, थर्ड ब्रांच है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज साउंड। साउंड में ये जो है स्टडी किया जाता है कि अगर एक हमारी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि हमारी बात एक से दूसरे तक पहुंच सकती हैं, ठीक है, तो अब वो किस तरह से पहुंच रही है। अगर एयर की वेव्स ना हो तो हमारी साउंड वेव ऑब्वियसली ट्रेवल नहीं करेंगी। अगर वो अब साउंड वेव ट्रेवल कर रही हैं एयर की वेव्स के साथ साथ, तो उनकी कौन सी मोशन होगी, लाइक वो लीनियरली मूव करेंगी या उनकी कोई वर्टिकल मोशन हो जाएगी, तो उस सब चीज़ों को हम साउंड के अंडर स्टडी करते हैं। अब इसी तरह देख लें कि हम एक बेल जो है बजाते हैं, टेम्पल्स में मोस्टली ये बेल होती थी, इसको रिंग किया जाता था, ठीक है, तो इसको हम देखते थे कि थोड़ी देर तक तो ये ट्रैवल की, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो जाती है, इसको भी हम अंडर साउंड स्टडी करते हैं। क्योंकि देखें, अगर कोई आवाज़ जो है प्रोड्यूस हुई है और वो कंटिन्यूसली चलती रहे तो हमारी, तो मेरा ख्याल है यूनिवर्स में सिर्फ आवाज़ें रह जाएंगी। और इसी तरह साउंड जो है, सन पे इतने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके जो आवाज़ें अगर ह्यूमन ईयर में आना शुरू हो जाएं तो वो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को हम डैम्पिंग और अनडैम्पिंग कहते हैं। इसको भी इसी चीज़ में स्टडी किया जाता है अंडर साउंड, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर एक कोई साउंड वेव निकली है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये उसका मैग्नीट्यूड होता है कि वो किस हाइट तक जा रही है, ठीक है। अगर हम अनडैम्पिंग में देखें तो अनडैम्पिंग में उसका मैग्नीट्यूड कम नहीं होता। तो इसी से पता चलना चाहिए कि जो हम रेडियो सुनते हैं, अगर तो उसमें डैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाए तो इतने इतने दूर के मुल्कों से या दूसरी जगहों से हमारे पास आवाज़ें ना आ सकें। तो हमने ये सब कुछ अंडर साउंड स्टडी किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट लाइट, ठीक है, लाइट किस तरह से ट्रेवल कर रही है, कि उसकी कौन सी डायरेक्शन होगी और वो किस स्पीड से मूव करेगी, वो हम सारा लाइट के अंडर स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइट में जिस तरह हमारे पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स कॉज हो रहे होते हैं, कॉम्प्टन इफ़ेक्ट है, देन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो है हम कहते हैं कि एनर्जी के पैकेट्स जो हैं बेसिकली वो ही लाइट है, तो एनर्जी के उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है। तो फोटॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं टारगेट एटम पे, ठीक है, ये फोटॉन्स हैं एक्सरे फोटॉन्स, तो इनसे एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और सम काइंड ऑफ रेडिएशंस भी निकलती हैं।
तो हमारे पास ये चीज़ बताती है कि एक लाइट से ही हम आगे फर्दर रेडिएशंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो इन सब की स्टडी अंडर लाइट की जाएगी। फिर हम देखेंगे कि जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड से हम इंसान मूव कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लाइट की स्पीड को एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, और जो है इसकी फर्दर जितनी भी स्टडी है वो अंडर लाइट आती है। इसी तरह क्या होगा, द फोर्थ वन ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या हम स्टडी करेंगे कि जितने भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वो क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से तो सिंपली ये हमें पता चल रहा है कि हम सारी इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। देन फर्दर देखेंगे कि स्टडी करेंगे इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफ़ेक्ट कॉज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जितनी भी ये सारी स्टडी होगी वो अंडर इलेक्ट्रिसिटी होगी। मैग्नेटिज्म के लिए क्या होगा, चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे। लाइक अगर हम इसकी एक ही एग्जांपल देख लें कि हमें पेंट करना होता है, पहले पेंट के लिए क्या होता था, कार्स को पेंट करने के लिए ब्रशेस यूज़ होते थे, ठीक है, उनको ब्रशेस के थ्रू पेंटिंग की जाती थी। बट अब क्या होता है कि एक हमारे पास जो है शावर लाई की बॉटल होती है जिसकी नोजल बहुत बारीक होती है, उसके अंदर से पेंट जो है वो जब बाहर निकलता है तो उसके ऊपर आयंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक आयंस होते हैं। अब वो जब जिस सरफेस पे या कार पे या जिस पे चीज़ पे हमने पेंटिंग करनी है वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम उसके ऑपोजिट पोलैरिटी वाला चार्ज दे देंगे। लाइक अगर यहाँ पे इन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि पेंट नोज़ल के थ्रू बाहर निकल रहा है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम इस कार की जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की जो है अट्रैक्शन होगी, और उन अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास कार के ऊपर पेंट हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों की स्टडी को कि अगर मैग्नेटिज्म है तो उसमें चार्जिंग हो रही है, डिसचार्जिंग हो रही है, या एक चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर रही है, या रिपल्शन हो रही है, या इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और अगर एक जो है कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है, वो काम कर रही है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से इफ़ेक्ट कॉज करेगी, वो अंडर इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मैग्नेटिज्म जो है वो सारा स्टडी किया जाएगा। अब हम अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, जो कि ये तो हम सारी चीज़ें जो अभी तक हमने ब्रांचेस डिस्कस की हैं ये थोड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए थी, लाइक जो कि हम देख सकते हैं अपनी आंख से, ठीक है, उन पार्टिकल्स के लिए थी, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए थी। तो अब जो हम स्टडी करेंगे वो एक नैनो पार्टिकल्स के लिए होगी, या हमारे पास एटम्स के लिए होगी स्टडी। तो अगर हम एटम को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होगी एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स में क्या होगा कि हम एटम को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कहा गया था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब अगर एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता तो उसकी फर्दर आगे स्टडी चाहिए ही नहीं थी। तो इसलिए एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल समझा जाता था जिसकी फर्दर डिवीजन हो नहीं सकती थी। तो इसलिए एटम की जितनी भी स्टडी होती है कि उनकी एटम्स जो हैं एक जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, तो उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट को इसमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से वो अपने आप को एटम्स अरेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं। एटम जो है अपने आप को क्यूबिक फॉर्म में भी जो है अरेंज कर सकता है, टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में जो है वो कर सकता है, और इसी तरह बहुत सारी फॉर्म्स हैं
जिसमें एटम अपने आप को अरेंज करके हमें कोई एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की स्टडी, उस एटम की स्टडी के उसके होने से या ना होने से क्या फिनोमिना कॉज होंगे और उसकी एटम की अरेंजमेंट क्या होगी, वो हम सारा एटॉमिक फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली पहले कहा जाता था कि एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, लेकिन अब एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है फर्दर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को भी फर्दर डिवाइड किया गया क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनके अंदर फर्दर सब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं। इसीलिए अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम देख लेते हैं, सबसे बेसिक उसमें होता क्या है, H11, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर हम देख लेते कि H11, ठीक है, अब ये वन तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक एटॉमिक फिजिक्स थी देन ये क्लियर नहीं था कि ये जो दूसरा वन है, ना यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ना एटम की कोई फर्दर सब डिवीजन है या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये दूसरा वन कहाँ से आया, ठीक है। वो पता चला कि फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के केस में जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन ज़ीरो होते हैं, ठीक है, इन हाइड्रोजन केस, बट वैसे वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए अब न्यूक्लियस की स्टडी को कि उसमें फर्दर कितने पार्टिकल्स हैं, अगर उसको उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमारे स्ट्रक्चर पे, हमारे एटम पे क्या इफेक्ट होगा, हमारी कन्फिग्रेशन कैसी होगी, उस सब चीज़ों को अंडर न्यूक्लियर स्टडी या न्यूक्लियस फिजिक्स के जो है अंडर स्टडी किया जाता है। द लास्ट वन इज़ अबाउट द जियोफिजिक्स, ठीक है। जियो से ही, वर्ड से ही पता चलता है कि जियो जो है अर्थ को कहा जाता है, ठीक है। जियो फिजिक्स, इस फिजिक्स में सारी अर्थ के बारे में जो है स्टडी की जाती है कि अर्थ की कौन सी मोशन है, ठीक है। अर्थ अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा अपनी वो एक्सिस के अलोंग रोटेशन कंप्लीट करने पे। इसी तरह अगर वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है अराउंड द सन, ठीक है, जिस तरह ये सन है और इसके अराउंड अर्थ जब मूव कर रही है तो इसको तब कितना टाइम लगेगा, और ये सारी टाइमिंग, और वो किस स्पीड से मूव करेगी। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं, लाइक उसका जो सेंटर पोर्शन है अभी तक उसमें कोर प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह उसकी डिफरेंट लेयर्स में किसी में पानी है, ठीक है, किसी में सैंड है, किसी में कोई और मटेरियल पाए जा रहे हैं, और सबसे ऊपर हमें सॉइल मिल रही है, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट लेयर्स की स्टडी अंडर जियोफिजिक्स की जाती है, और इसी तरह रोटेशन अबाउट द सन एंड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको भी अंडर जियोफिजिक्स स्टडी किया जाता है। इसी तरह अगर हमें मास ऑफ अर्थ निकालना हो कि अर्थ का मास क्या है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, और अर्थ की कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें हम जियोफिजिक्स में स्टडी करेंगे। दैट वॉज द एंड ऑफ योर ब्रांचेस।